एवरी वन, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे। ये मेरा हरा भरा अंजीर का प्लांट, ये देखिए, और ये इसकी लीव्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल पापड़ की तरह से, ये देखिए, ये हो गया है और इसमें से पापड़ की तरह से आवाज़ आ रही है। मैं सिर्फ मॉर्निंग में पानी वाटरिंग कर रही थी प्लांट्स में, और जब मैं शाम को आई तो मैंने देखा कि ये पूरी तरह से, ये प्लांट्स की ये लीव जो है वो बिल्कुल पापड़ की तरह से, ये देखिए, ये हो गई हैं, ये सूख गई हैं। और अभी ये अप्रैल का मंथ है, मई जून में क्या हाल होगा। और इसमें ये देखिए अंजीर भी कितनी लग रही थी और वो गिरने से लग गई, और काफ़ी अंजीर भी गिर गई, सारी लीव ये देखिए सब सूख गई हैं। अब इससे ये होता है कि प्लांट्स में दोनों टाइम वाटरिंग करना ज़रूरी हो गया है। मैं सिर्फ मॉर्निंग में पानी दे रही थी, अब दोनों टाइम पानी डालना ज़रूरी हो गया है। अगर नहीं डालेंगे तो सारे प्लांट्स जो सूख जाएंगे। गर्मी बहुत पड़ने लगी है, ठंड में तो अपने प्लांट्स को फॉग से बचाने के लिए शेड में रख देते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समर सीज़न में अगर प्लांट्स में ज़रा सी भी लापरवाही किया तो प्लांट्स सूखने लग जाते हैं। और इनकी लीव जो है, ये देखिए, पूरे सब पूरे पापड़ की तरह से और इतनी सूख गई है कि और नीचे गिर रही है ये। अब इस टाइम दोनों टाइम वाटरिंग करना ज़रूरी हो गया है। अभी मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया था, ग्रीन नेट भी मैं लगा दूंगी ताकि मेरे प्लांट्स सारे बचे रहें, वरना सारे प्लांट्स की हालत देखिए कैसी हो गई है सिर्फ एक टाइम वाटरिंग करने से। आज मैंने दोनों टाइम वाटरिंग, अब मैं कर रही हूँ, आज मैंने दोनों टाइम वाटरिंग किया है। अब देखते हैं प्लांट्स क्या है, और ग्रीन नेट लगाना अब ज़रूरी हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।